नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे गोरखपुर का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अखिल भारतीय प्राइज मनी आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में दिल्ली ने मध्य प्रदेश को 5-1 से दी शिकस्त। चौरी चौरा में 19 दिसंबर को जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में होगा जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस। गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय कलाकार मचाएंगे धमाल। जल जमाव के विरोध में हुमायूंपुर में नागरिकों ने किया चक्का जाम, पुलिस ने समझाया तो माने। प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से हुआ एकल काव्य पाठ। गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय में आयोजित हुई निःशुल्क चिकित्सा शिविर, अगले वर्ष मार्च तक प्रत्येक रविवार को लगेगा शिविर। और आरएसएस की नई वेबसाइट सेवा गाथा का हुआ उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। रीजनल स्टेडियम में खेले जा रहे अखिल भारतीय प्राइज मनी आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में रविवार को दिल्ली ने मध्य प्रदेश को 5-1 से पराजित कर दिया। 16 से 22 दिसंबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में देश की कुल 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस मौके पर फुटबॉल संघ के सचिव मोहम्मद हमजा खान, अकरम परवेज सहित अन्य खिलाड़ी व खेल प्रेमी मौजूद रहे। दिल्ली जीती है 4-1। हाँ, 5-1। Hey!
जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस 19 दिसंबर को चौरी चौरा में होगा, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी राजीव रौतेला करेंगे। एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ ने बताया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी इसमें उपस्थित रहेंगे और अन्य तहसीलों में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। आगामी 11, 12 और 13 जनवरी 2018 को गोरखपुर विश्वविद्यालय में गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में जनपद के स्थानीय कलाकारों एवं उनकी कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मंच प्रदान किया जाएगा, जिससे जनपद के स्थानीय कलाकारों और कलाओं को पहचान मिल सके। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने कैंप कार्यालय पर जनपद के विभिन्न कलाओं एवं संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में चर्चा की तथा महोत्सव के दौरान स्थानीय कलाकारों को चयनित किए जाने हेतु राकेश श्रीवास्तव, शरद मणि त्रिपाठी, शैलेश मणि त्रिपाठी की समिति बनाई गई। समिति द्वारा चयनित किए गए कलाकारों के साथ आयुक्त अनिल कुमार ने 18 दिसंबर को आयुक्त सभागार में एक बैठक आयोजित करेंगे। जटेपुर उत्तरी वार्ड नंबर 22 में पिछले कई दिनों से हुए जल जमाव के विरोध में रविवार को स्थानीय नागरिकों ने हुमायूंपुर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना के बाद मौके पर पहुंची मुकामी पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर समाप्त कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड में सफाई न होने के कारण नाली का पानी सड़क पर फैला हुआ है। सड़क पर पानी फैलने से लोगों का राह चलना दूभर हो गया है। जलजमाव से संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार वो नगर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और मजबूर होकर आज चक्का जाम करना पड़ा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय नागरिक अजय यादव ने बताया, भैया थोड़ा दब जाइए।
जबरदस्त है, जल की सब कब्जा रहे यहाँ से लेकर सब घर नाली के दोनों तरफ रोड है। इसलिए जाम हुआ था, ये जाम जदेपुर उत्तरी का वार्ड का पूरा जितना भी नाला है, नालियाँ हैं वो सारी नालियाँ एकदम पूरी भरी पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे जो ठेकेदार है, जो सफाई कर्मी का ठेकेदार है, वह 150-150 रुपये पे यहाँ पे कर्मचारी को रखा, वो भी 10-7 कर्मचारी का भी काम कम नहीं आते, कोई समय पर काम नहीं होता है। अब पूरा जल जमाव पड़ा हुआ है, लोग पानी में आने जाने मजबूर हैं। कहाँ कहाँ है जाम? जाम ये आप प्रगति स्कूल के पास जाएंगे तो वहाँ पे घरों के बाहर पानी, हरिजन बस्ती में पूरा पूरा गली पानी से लथपथ है। और यहाँ पे सोरों का जमावड़ा है, इतनी गंदगी है कि जीना दुश्वार हो गया है। हम लोगों ने कई बार अर्जियां दी नगर निगम में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, अंत में हम लोग को ये चक्का जाम करना पड़ा। प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से कवि वेद प्रकाश पाठक के एकल काव्य पाठ का आयोजन गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में किया गया। इस अवसर पर संगठन के सचिव धर्मेंद्र त्रिपाठी, आयोजन के सचिव अजीत सिंह सहित अन्य काव्य प्रेमी उपस्थित रहे। इस मौके पर कवि वेद प्रकाश द्वारा उनका काव्य पाठ किया गया। जिससे जिसकी चिंता जिस समाज की जिस हिस्से की चिंता करता है कि कविता में कोई आयुकानिज्म नहीं, मतलब उसको लिए शब्द उन्होंने काव्यांदोलन का शब्द इस्तेमाल किया था। सार के यही सब हमें बड़ा फर्क है। सार जो अपने समय से आगे चलता है, हम उसकी उंगली पकड़ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। सार जो अपने समय से आगे चलता है, हम उसकी उंगली पकड़ सीढ़ियाँ चढ़ते, कैलेंडर बदल जाते हैं, बैर भूलने लगते हैं, अशोक नई पत्तियों से भर जाता, अशोक नई पत्तियों से भर जाता, गुलमोहर फूल से लद जाते, शायर गौरा को देखता, उसके घोंसला को देखता, बया को देखकर चहक। एक ठंडी हवा जो शायर को छूकर चली गई, शायर फटी बनियान और लुंगी में एक टक चीटी को ताकता रहा। गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय के नेत्र विभाग द्वारा निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन रविवार को गोरखनाथ चिकित्सालय में किया गया। शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला, जिसमें कुल 152 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर अपने नेत्र के जांच कराए। इस दौरान चिकित्सकों ने भी रोगियों की जांच कर उन्हें उचित चिकित्सीय सलाह दी। शिविर का उद्घाटन गोरखनाथ अस्पताल के निदेशक डॉक्टर केपी सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर सीएम सिन्हा, डॉक्टर शशांक कुमार सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अस्पताल के निदेशक ने कहा कि यह शिविर बिल्कुल निशुल्क है। यहां आए मरीजों को चिकित्सा जांच के अतिरिक्त दवा भी निशुल्क दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिविर अगले वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह तक प्रत्येक रविवार को लगाया जाएगा। वहीं अस्पताल के सीएमएस ने कहा कि यहां आने वाले रोगियों को न सिर्फ जांच किया जा रहा है, बल्कि उनके ऑपरेशन भी निशुल्क कराए जा रहे हैं। अंदर मस्कोप दो, क्या कर रहे हो? चलिए ठीक है। क्या दिक्कत हो रही है? 7 बजे के बाद से एकदम जो है कुछ दिखाई नहीं देता, शाम को नहीं दिखाई देता। है
जांच करवा लो जाके बाहर है और फिर जो है जांच को और बेड ले लिया है बंद करो जांच मारे बंद करो बोलिए क्या चश्मा बनवा रहे हो मीटिंग करा क्या करा मीटिंग करा फिर ड्रॉप तीन बार गोली एक बार उधर ही उधर ही हम 10 दिन दवाई खाई लेकिन यही कुछ गाली बजी टूटी होला डाके होला कि लगाया गया है आज यहाँ ये निःशुल्क नेत्र शिविर है जिसमें नेत्र के हर तरह के मरीजों की हम जांच करेंगे और जो मरीज मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किए जाएंगे उनकी हम हृदय की जांच उनकी जांच सारी जांचों के बाद उनका हम निःशुल्क ऑपरेशन करेंगे इनका एक दिवसीय चिकित्सा ये हर रविवार को जनवरी फरवरी मार्च हर रविवार को हम ये निःशुल्क करेंगे तो कितने का आज रजिस्ट्रेशन हुआ कितने मरीज आज अभी देखा गया 150 से अधिक मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उसमें से लगभग अभी तक 40 मरीज मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किए गए हैं ऑपरेशन के लिए जिनकी तिथि आज दी जाएगी मरीजों को निःशुल्क दवा भी दी जा रही है हाँ निःशुल्क दवा जो नेत्र शिविर के मरीज हैं उनको सबको निःशुल्क दवा चाहे जो जो भी बीमारी हो उसकी जैसा चिकित्सक हमारे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष तिवारी और डॉक्टर एम एल जायसवाल चिन्हित कर रहे हैं और उसके साथ ही अगर हृदय की जांच में कुछ वो चिन्हित किए जाएंगे हृदय की जांच होगी उनके भी हम उसकी भी दवा निःशुल्क देंगे आज के शिविर में आए हुए मरीजों को निःशुल्क नेत्र शिविर में जो रोगी चिन्हित हो रहे हैं ऑपरेशन के लिए उनका निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा रहा है निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया जा रहा है हृदय की जांच हो रही है और जो भी जांचें हो रही हैं उसमें मरीज को एक नए पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से जो मरीज ऑपरेशन के लिए भर्ती होते हैं ऑपरेशन करके अगले दिन उनको जाने का किराया भी दिया जाता है और ये महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है और अब तक समझिए कि कम से कम 70 से 80 हज़ार
निःशुल्क ऑपरेशन इस चिकित्सालय परिसर में किए जा चुके हैं मोतियाबिंद के मरीज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सेवा गाथा वेबसाइट बनाया गया है, जिसका उद्घाटन रविवार को राष्ट्रीय सेवा भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सुधीर द्वारा किया गया। सिविल लाइन स्थित एक लॉन में आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर सीताराम जायसवाल, आरएसएस के प्रांत सह प्रचारक प्रमुख उपेंद्र प्रसाद द्विवेदी सहित संघ के कई पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने वर्ष भर के सामाजिक कार्यों का ब्यौरा देने के साथ नई वेबसाइट की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर कई सांस्कृतिक संगठनों के सदस्यों द्वारा नृत्य और संगीत की प्रस्तुति भी की गई। अखबार, टीवी, लेकिन अब क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू लगभग मेरे हिसाब से तो फेसबुक से आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो इंटरनेट जिसका प्रमोशन कर सकते हैं। तो ऐसी एक जरूरत पड़ी कि संघ के जो सेवा कर रहे हैं ये लोगों के प्लेटफॉर्म में लोगों को दिखाई दे, तो इसके लिए क्या है, सेवा गाथा एक वेबसाइट के सामने संघ के सेवा कार्य। तो अब मैं वेबसाइट का एक मेन पेज है, ठीक है, ये देखिए इसमें क्या है कि ये जो फोटोज हैं, देश भर में जितने भी सेवा कार्य संघ के चल रहे हैं वो इधर ये जो फोटोज हैं, ये हमें पूरे भारतवर्ष से फोटो आती है तो हम इस वेबसाइट पे लगाते हैं पहली बार। फिर है परिवर्तन यात्रा, एक कॉलम है परिवर्तन यात्रा, इसमें संघ के सेवा कार्यों द्वारा जो लोगों के जीवन मन और समाज परिवर्तन की कहानियां हैं वो हर हफ्ते हर सोमवार को इस वेबसाइट में जाती है और परिवर्तन यात्रा वाले कॉलम में जाती है। जैसे मैं आपको एक दो कहानियां दिखाता हूँ, ये है पढ़ाई की सिलाई से पूरी सफलता, ठीक है, ये कहानी है, ये कांचीपुरम के सिल्क वीवर से बुनकर जो होते हैं वो किसी टाइम बड़ी आर्थिक उनकी बहुत आर्थिक हालत खराब थे और शिक्षित भी नहीं थे, इस वजह से क्या साहूकार लोगों को उनको ठग लेते थे क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं थे। तो संघ के स्वयंसेवकों और संघ के विभाग प्रचारक जी के द्वारा एक प्रकल्प चलाया गया जिसमें यात्रा का एक कॉलम। दूसरा आता है समर्पित जीवन, वो देखिए समर्पित जीवन, इसमें क्या है कि संघ के जितने ये देखिए संघ के प्रचारक और कई ऐसे लोग जिन्होंने संघ के सेवा कार्यों में अपनी जिंदगी खपा दी, खुद चिराग बनके कई लोगों के जीवन में रोशनी लाई, ऐसे महापुरुषों की इसमें कहानी रहेगी। इसको भी आपको दिखाते हैं, देखिए पढ़िए समर्पित जीवन, तो इसमें माननीय विष्णु जी कुमार जी की कहानी है। सबको पता ही होगा कि संघ के स्वयंसेवक आपदाओं के वक्त अग्रसर खड़े होके अपनी सेवाएं देते हैं, तो क्या है कभी कभी क्या होता है अखबारों में निकल जाती है, कभी नहीं निकलती है, और लेकिन क्या होता है कि संघ के जितने स्वयंसेवक हैं, आप गुजरात बाढ़ ले लीजिए, उत्तराखंड त्रासदी ले लीजिए और चेन्नई में जो बाढ़ आई थी तब ले लीजिए, क्या है कि अग्रसर होके हमारे स्वयंसेवकों ने काम किया। तो इसमें है ये है गुजरात बाढ़, बाढ़ से बचे हजारों जिंदगी, गुजरात बाढ़ में स्वयंसेवकों का भागीरथ अभियान। तो इस वेबसाइट में जो हमारे स्वयंसेवक त्रासदी आपदा के वक्त अपनी सेवाएं देते हैं और अपनी जान को खतरे में डाल के भी लोगों की जान बचाते हैं, उनकी कहानियां इस सेवा दूत वाले कॉलम में आएंगी। अब आप प्रत्यक्ष सारे कार्यों को इस वेबसाइट के माध्यम से परिचित हो सकते हैं। राष्ट्रीय संघ अपने सेवा विभाग के द्वारा जन जन तक किस प्रकार से सेवा विकार करता है, किस प्रकार से सेवा क्षेत्रों में से बचाने का प्रयास किया तथा बाढ़ पीड़ितों की मदद में खाद्यान्न सामग्री, पानी, दवाइयां, तिरपाल, टार्च, कपड़े इत्यादि वितरण करते रहे। इस वर्ष आए बाढ़ों में कई लाख रुपए की सामग्री बाढ़ में दी गई ता कई सौ स्वयंसेवक इस सहायता कार्य में लगे। इस वर्ष बाढ़ पीड़ितों के सहायता में स्वयंसेवक
22 दिनों तक निरंतर कार्य में लगे रहे और सेवा करते रहे। और यही नहीं, हमारे से बहुत से लोगों ने जो उस स्थान पर बाढ़ पीड़ित इलाके में गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि हमारे स्वयं सेवकों ने गले तक पानी में हल हल करके दवाइयां, खाद्यान्न, कपड़े और उनके जरूरत की सारी चीजें दिया, सिलाई माचिस वगैरह से सब वहां पर वितरण किया। और निश्चित रूप से जो हमारे सेवक स्वयं सेवक इस क्षेत्र में पहुंचे तो वहां बाढ़ पीड़ितों में एक आशा की किरण जग गई कि हमारी भी कोई सोच समझ खबर लेने वाला है, और लगा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उससे हमारा संबद्ध सेवा भारती विभाग, हमारी मातृमंडली, हमारी युवा भारती के लोग, सशस्त्र चिकित्सालय के लोग, स्वास्थ्य सेवा कैंप लगा करके लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया उन बाढ़ पीड़ितों को। और इसमें निश्चित रूप से हम लोगों ने उसका केंद्र भी सरस्वती विद्या मंदिर बनाया हुआ था, जहां उसके प्रधानाचार्य मनीष शिव जी ने बड़ी अच्छी तरह उसका संचालन किया। चलते चलते जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय प्राइज मनी आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में दिल्ली ने मध्य प्रदेश को 5-1 से दी शिकस्त। चौरी चौरा में 19 दिसंबर को जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में होगा जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस। गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय कलाकार मचाएंगे धमाल। जल जमाव के विरोध में हुमायूंपुर में नागरिकों ने किया चक्का जाम, पुलिस ने समझाया तो माने। प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से हुआ एकल काव्य पाठ। गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय में आयोजित हुई निशुल्क चिकित्सा शिविर, अगले वर्ष मार्च तक प्रत्येक रविवार को लगेगा शिविर। और आरएसएस की नई वेबसाइट सेवा गाथा का हुआ उद्घाटन। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहे गोरखपुर न्यूज, द न्यूज Before headline. Namaskar.